उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। कभी गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ भारत आज उसी सूरज की भांति चमक रहा है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, सो कॉल्ड सभ्य कहलाने वाले ये देश भारत को अपने अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर तनकर खड़े भारत से आज के समय में कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। सब के सब भारत से बना कर रखना चाहते हैं, उनके लिए न जाने कौन से लाभ का कारण बन जाए भारत। इसी क्रम में अमेरिका के प्रतिबंध के बोझ तले दबे ईरान ने भारत से सहायता मांगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे ईरान ने भारत से औपचारिक रूप से रुपया रियाल मॉडल का आग्रह किया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अब किसी से छुपा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ता जा रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उसके कद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय से भारत का मजबूत पक्ष पूरे विश्व के सामने आया है। यूक्रेन से युद्ध के क्रम में पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर के प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था लचर हो गई। उसे उभारने के प्रयासों में रूस ने डिस्काउंट रेट्स पर अपने सहयोगी देशों को तेल देना प्रारंभ किया, किंतु पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अन्य कोई भी देश रूस से तेल खरीदने को तैयार नहीं हुआ। किंतु भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारी मात्रा में रूस से डिस्काउंट रेट पर तेल खरीदना शुरू किया। वस्तुतः इसी क्रम में रूस और भारत के बीच रूपी रूबल समझौता भी हुआ। भारत और रूस रूपी रूबल में व्यापार करने लगे, जिससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की बत्ती बन गई। तत्पश्चात इन देशों ने भारत को साम दाम दंड भेद के माध्यम से रूसी तेल नहीं खरीदने के लिए बहुत मनाया, किंतु सफलता हाथ न लगी। अपने अगले प्रयास में पश्चिमी देशों ने भारत को नैतिकता और मानवता का ज्ञान देना शुरू कर दिया और रूस से तेल नहीं लेने की बात कहनी शुरू कर दी। किंतु एस जयशंकर ने उल्टा उन्हें ही स्वयं के भीतर झांकने की नसीहत दे डाली। बस फिर क्या था, बोलती बंद हो गई। भारत की हिम्मत को इराक भी देख रहा था। जब उसने भारत की ये शक्ति देखी तो उसने भारत से रिश्तों को बनाए रखना ही सही समझा। दूसरा कारण बाजार भी है। वस्तुतः भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक है, एक बड़ी बाजार है। इन सब को ध्यान में रखते हुए इराक ने भी भारत को सस्ते दर पर तेल देने का प्रस्ताव दिया। भारत विश्व पटल पर जिस शक्ति के साथ उभर रहा है, उसका नमूना उसने G7 देशों के ऑयल प्राइस कैप को सिरे से नकार कर दिया। विश्व पटल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके भारत से कभी मुंह मोड़ने वाला ईरान भी अब भारत के समक्ष सहायता पाने के लिए खड़ा है। रूस की तरह ईरान भी अमेरिका द्वारा प्रतिबंध के बोझ के तले दबा है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस संकट से जूझ रहे ईरान को टोमान नामक नई करेंसी लानी पड़ी थी। जहां पहले ईरान भारत को कमतर आंक कर उसे चाबहार को लेकर भी ना नुकुर करने लगा था, वहीं ईरान भारत के ऊपर मेहरबान हो गया है। उसने चाबहार को लेकर काफी नरमी भी दिखाई है। इसी क्रम में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारत से अनुरोध किया कि जिस तरह भारत रूस के साथ रुपया रूबल भुगतान तंत्र अपनाकर व्यापार कर रहा है, उसी तरह वह ईरान के साथ भी रुपया रियाल समझौता कर एक भुगतान प्रणाली विकसित करके व्यापार करे। भारत पहले ईरान से कच्चे तेल खरीदता था, किंतु भारत कई बार अपने विदेशी मुद्रा भंडार के कोष को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ईरान से रूपी रियाल में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु ईरान तो डॉलर में ही फंसा हुआ था। वो व्यापार डॉलर में ही करने पर अड़ा हुआ था। आज वही ईरान स्वयं ही भारत को रूपी रियाल समझौता करने का आग्रह कर रहा है। मूलतः ईरान को पता है, अगर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को निष्क्रिय करना है तो भारत ही है जो उसकी नैया पार लगा सकता है।